लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। इंदौर की कुलकर्णी भत्ते के क्षेत्र में मदनलाल नामक व्यक्ति के घर पर किसी ने खिड़की के कांच तोड़ दिए। गुस्साए रहवासियों का कहना है कि यहां आए दिन बदमाश हरकतें करते रहते हैं। रहवासियों में बदमाशों के कारण दहशत का माहौल रहता है। बदमाश मादक पदार्थों के सेवन के चलते कॉलोनी के वाहनों से पेट्रोल चुराते हैं और गाड़ियों के कांच फोड़ देते हैं। विरोध करने पर धमकी भी देते हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने बदमाशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस गश्त भी की जाती है। रहा सवाल मादक पदार्थ बेचने का, तो कोई जानकारी दे तो हम कार्रवाई भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। वंदे वंदे वंदे। भाई पिछले 5 सालों से लगातार यहाँ पर पेट्रोल चोरी हो रही है, और इससे पहले भी जो समय समय पे थाना प्रभारी जी आते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, ठीक है। पर हम तो यहाँ के रहवासी हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम कमा रहे खा रहे हैं यहाँ पर, हम पूछते नहीं है यहाँ पर। और हमारी गाड़ी का पेट्रोल चोरी हो रहा है, वो पुलिस हमारे को कह रही है, हप हप का मतलब क्या होता है? अरे इसके अलावा और क्या होता है क्षेत्र में? यहाँ पर गांजा बिक्री है, और क्या नाम अपना गांजा पी के लोग मिलों के अंदर घुस रहे हैं। लोगों के घर की LCD चोरी हो रही है। यहाँ पर योगेश मिश्रा जी को मैंने बोला कि सामने आने ले LCD चोरी कर ली, तो बोलते उसको बुला लो, बुला लिया, वो बाद में मामला ठंडा कर दिया। सामने वाला किसी का नाम? अरे मैं पुराने मीटर बता रही हूँ, 10। अरे अभी ताजा मीटर ये है कि हमारे एक परिवार का कांच फोड़ दिया गया, और वही लोग है ना अपना हमारे यहाँ का पेट्रोल भी चोरी कर। देखो नाम तो पुलिस को पता है, मैं नाम किसी का नहीं बताऊँ मैंने, पर मैं आपको तुम्हें गांजा बिक्री है, गांजा बिक्री वाले का नाम बोलो। गांजा बिक्री है क्षेत्र के अंदर, पूरी तरह से दारू बिक्री है क्षेत्र के अंदर। देखो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, सब पुलिस जांच करे, पुलिस जिम्मेदार है क्षेत्र की। आपको सामने उनके घर के सामने रात को PCR वेन और फील्ड लगी रहती है। रात को 3 बजे मदनलाल का घर है, जहाँ किसी बच्चे ने पत्थर फेंक दिया है, पत्थर फेंका, खिड़की का कांच तोड़ दिया, इसकी तलाश करवा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने फोन करके बताया, फरियादी स्वयं संतुष्ट है। रात को गया है, रात को पुलिस वाले आ गए थे, जवान रात को पहुंच गए थे, अभी भी सूचना मिली तुरंत आ गए, उनपे कार्रवाई करवा रहे हैं। अगर लड़के कोई बैठे मिलते तो उनको हम बंद करेंगे, वैधानिक कार्रवाई। सर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मैडम सामने चौकी है, जहाँ PCR में 1-4 के बल रात को रहता है, 10 को, इसके अलावा जवान बैठे रहते। किसी कोई नाम नहीं बताए, किसी वो स्वयं बता रहे हैं कि बच्चे बैठे रहते हैं, हो सकता है क्या? नहीं अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं मिली। उनका कहना पड़ रहा है, अगर जानकारी है तो बता दें कहाँ है, अभी तरीके से बता दें। नहीं कोई नाम। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।